हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मैं फिर दोबारा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है राघव अशोक टिप्स एंड ट्रिक्स। गाइस, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूं, इंस्टाग्राम के ऊपर आपने देखा होगा कि कट में फ़ोटो जो डालते हैं, अपलोड करते हैं कई लोग, दिखा देता हूँ आपको। देखो, कुछ इस तरीके की आपको फ़ोटो दिख जाती है कई लोगों के इंस्टाग्राम पर, कि उनको 9 पीसेस में कट करके जो इंस्टाग्राम पर अपलोड करते हैं फ़ोटो को, वो कैसे करते हैं। आज आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ, तो आप मेरे सारे स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करना, नहीं तो पता नहीं कौन सी जो ये एक पज़ल की तरह होता है, हमें इसमें काउंटडाउन जैसे काउंट वाइज ही हमें इसमें फ़ोटो अपलोड करनी पड़ती है। जैसे 10 8 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 उल्टा चलना पड़ता है इसमें, पहली फ़ोटो मत अपलोड करना, नहीं तो फ़ोटो उल्टी बन जाएगी, कुछ और ही बन जाओगे नहीं तो आप। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक फ़ोटो अपलोड करके, उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा अपने चैनल के, और बाकी मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वैसे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, और आप उसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोनों जगह से मैं आपको बता देता हूँ, लिंक पे सीधा क्लिक कर देना तो अपना डाउनलोड के पेज पे आप पहुँच जाओगे, तो वहाँ से सीधा डाउनलोड कर लेना। बाकी आप प्ले स्टोर खोलना, प्ले स्टोर खोलने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना होगा 9 cut for Instagram। यहाँ पर सीधे यहाँ पर आपको नीचे सजेशन में दे देगा 9 cut for Instagram। यहाँ पे आपको सिंपल इसको डाउनलोड कर लेना है, ये वाला ऐप है 9 cut for Instagram। तो यहाँ से एप्लीकेशन अब मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन डाउनलोड हो रही है। 3.30 MB इसका साइज़ है, और इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी आपको प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाएगी। कुछ इस तरीके का आइकन है इसका, मैं एक बार क्लिक करके दिखा देता हूँ, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके का आइकन है। दोस्तों, एक बार ध्यान रखना, आपको ऐप में से ही अपने फ़ोटो को अपलोड करना है इंस्टाग्राम पर, आप गैलरी में जाके मत करना अपने फ़ोन के, नहीं तो फिर उल्टा सीधा हो जाएगा, फ़ोटो कहीं की जगह कहीं लग जाएगी, पज़ल आपकी पूरी तरह बिगड़ जाएगी, वहाँ पर आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कहाँ से कौन से पार्ट आपका किस कॉर्नर में लगा हुआ है और उसको कैसे अपलोड करना है। तो यहाँ से इस एप्लीकेशन को मैं ओपन कर लेता हूँ, तो ये मैंने एप्लीकेशन अब ओपन हो रही है। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन देखेंगे, एक आएगा आपका फ़ोटो ऐड करने का, एक स्टार वाला और एक रीसेंट का। आपको यहाँ पे फ़ोटो ऐड पे क्लिक करना है, फ़ोटो ऐड पे क्लिक करने के बाद ये आपके फ़ोन से परमिशन मांगेगा कि अलाउ 9 cut for Instagram टू एक्सेस फोटोज़ मीडिया एंड फाइल्स ऑन योर डिवाइस। तो यहाँ पर आपको इसको अलाउ कर देना है, फिर एक और परमिशन मांगेगा कैमरा की, तो उसको भी आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आप इसके अंदर एंटर हो जाएंगे, एंटर होने के बाद आपको यहाँ से कोई सी भी फ़ोटो को चूज़ कर लेना है, जैसे मैंने ये वाली फ़ोटो चूज़ कर ली है। अब यहाँ से आपको नीचे की तरफ राइट साइड में एक ऑप्शन दिख रहा होगा अप्लाई का, तो आपको उसको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपके यहाँ पे बहुत सारे इंटरफेस आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे इंटरफेस आ रहा है एक 1 1 into 3 2 into 3 3 into 3, तो 3 into 3 वाला ऑप्शन ही आप चूज़ करना, कि अगर 3 को 3 से 9 करते हैं तो आपके 9 cuts हो जाएंगे इसके अंदर, और बाकी 1 को 3 से करेंगे तो यहाँ पर आपके 3 cuts हो जाएंगे, ऐसे वाला कुछ इस तरीके से, और 3 में 3 हो जाएंगे। बाकी आप जैसे आप देखना चाहो, इसमें 5 into 3 तक का ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, आप अपने हिसाब से इसको कट कर लेना। कट करने के बाद जैसे यहाँ पे जो नॉर्मल कॉमन जो होता है फ़ोटो कट करने वाला, वो होता है 3 into 3 का, तो यहाँ पे आप इसको चूज़ करके यहाँ पे आपको ऊपर इसको अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे हो चुका है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको सेव टू SD कार्ड नहीं करना है, इसको यहाँ से शेयर टू इंस्टाग्राम पर क्लिक करना है। शेयर टू इंस्टाग्राम पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th यहाँ पे लिखा आ रहा है, आपको यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे फ़ोटो को अपलोड कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, पहले वाली फ़ोटो को मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है, फीड पे आपको क्लिक करना है, जैसे आप जहाँ भी लगाना चाहो, स्टोरीज पे तो लगाओगे नहीं, कटी पिटी पिक्चरें डायरेक्ट में किसी को मैसेज भेजोगे नहीं, आपको फीड ही करनी होती, तो यहाँ पे एक एक करके आप फीड करना। जैसे फीड पे क्लिक करा मैंने, तो अभी मेरा इंस्टाग्राम इसके अंदर खोल लेगा मेरे फ़ोन के अंदर, तो ये आपको इसको यहाँ पे ऊपर ऐप क्लिक करना है, और सिंपली इसको जैसे आप अपलोड करते हो वैसे कर देना अपलोड। अब बैक आप उस ऐप पे आओ, अब बैक उस ऐप पे आने के बाद तो गाइस फिर आपको क्या करना है, जो सेकंड वाली फ़ोटो है उसको भी इस तरीके से अपलोड करना है इंस्टाग्राम पे, जैसे फीड पे क्लिक करना है, जैसे आप करते हो वैसे ही सेम इसको भी अपलोड कर देते हैं ऐसी। तो ये हो गई अपलोड, अपलोड पे क्लिक कर दिया, फिर मेन्यू पे जाके वापस उस ऐप पे आए, फिर ऐसी तीसरी फ़ोटो फीड,
ऐसी कर करके आप सारी फ़ोटो कर दो अपलोड। ये शेयर यहाँ पे तीन पीस हो चुके हैं, चौथा करते हैं। बहुत सिंपल होता है गाइज, कई लोगों को पता नहीं चलता कि कैसे करना होता, तो उन्हें के लिए वीडियो बनाई है मैंने। गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। ठीक है गाइज, समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं। ऐसे शेयर करते जाओ। तो अब हमारा छठा पीस अपलोड होगा। ये फीड पे क्लिक किया और ये एरो, ये नेक्स्ट और ये शेयर और ये सेवन पे, ये फीड, ये नेक्स्ट और ये शेयर और ये एट पे क्लिक करना है। एट पे क्लिक करने के बाद फीड और ये नेक्स्ट और ये शेयर और फिर उसके बाद नाइन पीस पे क्लिक करना है। नाइन पीस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फीड और ये एरो का बटन, नेक्स्ट और ये शेयर। तो यहाँ पे अब हमारी सारी फ़ोटोज़ अपलोड हो चुकी हैं जितने भी हमने पीस किए थे। अब एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या बना है। तो ये हो गई हमारी कुछ इस तरीके से फ़ोटो अपलोड। ये बीच वाला पीस अभी अपलोड नहीं हुआ है, तो हो रहा है शायद, वो अपलोड हो चुके हैं सारे अपलोड। गाइस एक मिनट, इसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं। मैं एक बार अपना इंस्टाग्राम बंद करके फिर दोबारा ओपन करता हूँ। वो बीच वाला पीस हो चुका अपलोड, लेकिन वहाँ पर शो नहीं हो रहा है। अब गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच वाला पीस भी यहाँ पे शो हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से फ़ोटो अपलोड होती है जो हम कट्स में करते हैं फ़ोटो अपलोड, कुछ बड़े प्रिंट में करना चाहते हैं तो इस तरीके से होती है। ये होती है 3x3 की, जो इसमें 9 पीस होते हैं आपकी फ़ोटो के। तो इस तरीके से आप अपनी फ़ोटो को इंस्टाग्राम पे अपलोड कर सकते हैं। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे और कमेंट भी, डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि आपको आगे फ्यूचर में ऐसी वीडियोस देखने को मिले हमारे चैनल से। क्योंकि इससे ना क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है जब आप सब्सक्राइब करते हो। और साथ में अगर सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन जरूर दबा देना। अब आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।